आज हम इस तरीके से वेस्ट कतरन पड़ी होती है हमारे पास, उसी को जोड़ के एक बहुत ही सुंदर बैग बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से जो भी कपड़े था उसमें से मैंने इस तरीके से पहले इस तरीके से पट्टियाँ कट कर ली है। तो जो भी आपके पास बचे हुए कपड़े हों उसमें से जिस भी कलर के हों, अलग अलग कलर के, इस तरीके से आप स्ट्रिप्स कटिंग कर लीजिए। ये मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 3 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 15.5 इंच। तो इस तरीके से जो भी आपके पास बचे कुचे टुकड़े हैं वो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कलर्स के हैं, देखिए इस तरीके से मैंने अलग अलग पट्टियाँ कटिंग की हुई हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें आपस में जोड़ के हमें एक लंबी स्ट्रिप बना। तो हमें इस तरीके से स्ट्रिप लेनी है, ये रखी एक स्ट्रिप, इसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप रखनी है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी। तो ये ज्वाइन हो गई इस तरीके से हमारी पट्टी। आप कोई भी कलर ले लीजिए, इस तरीके से इसे यहाँ पे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये भी हमारी ज्वाइन हो जाएगी। बस इसी तरीके से हमें लंबी पट्टियाँ ज्वाइन करनी है। तरीके से मैंने पीसेस ज्वाइन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 7 पीसेस इसमें ज्वाइन किए। अब हमें क्या करना है, सेम इस साइज़ की एक पीस मैंने लाइनिंग का लिया है, कोई भी पतला कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। बीच में रखनी है आपको फॉर्म शीट, फॉर्म शीट नहीं है तो रबर शीट, आटा बैग, राइस बैग, जो भी आपके पास। और सबसे ऊपर रखना है आपको ये जो हमने मेन फैब्रिक कट किया, और इस पर सिलाई लगा के इसे क्विल्ट कर ली। मैंने इसे सिलाइयाँ लगा लिया इस तरीके से लंबाई में और इसे क्विल्ट कर लिया। तो इस तरीके से मेरा रेडी हो गया ये, नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और ऊपर हमने जो बनाया था उसे रख के सिलाइयाँ लगा लिया। तो एक पीस मैंने ये रेडी कर लिया, एक ऐसे ही मैंने एक और 2 पीस रेडी कर लिया। तो 1 और 2, एक पीस फ्रंट के लिए और एक पीस बैक के लिए। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ कि फाइनल मेरे पास रेडी ये कितने हुए हैं। तो 18 इंच इसकी विड्थ आई है और इसकी लंबाई है 15.5 इंच। अब आपको करना क्या है, ये रखा, इसके ऊपर ये रखा इस तरीके से, यहाँ बॉटम वाली तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, बॉटम वाली तरफ मैंने सिलाई कर ली। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो इस तरीके से मेरे पास आ गया फ्रंट और बैक। अब हम इसे शेप दे देते हैं। तो हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, कि मैंने फोल्ड कर लिया। अब हम इसे शेप देते हैं। तो हमें कैसे शेप देनी है, सबसे पहले हम यहाँ बॉटम की तरफ से दोनों तरफ से शेप देंगे, फिर हम इसे ऊपर की तरफ से शेप देंगे। तो नीचे की तरफ से हमें लेना है 3 बाय 3 इंच, 3 इंच पे निशान लगाना है, 3 इंच में हमें ऊपर की तरफ निशान लगाना है इस तरीके से। इसकी कटिंग करके सेम यहां से भी 3 बाय 3 इंच, इसे भी कट कर लिया। अब हम यहां ऊपर की तरफ से इसे शेप देंगे। तो यहां से हमें लेना है 2 इंच, 2 इंच इस तरफ से आपको निशान लगाना है, इस निशान को इस निशान पे आपको मिला देना है। सेम ऐसे ही हमें इस तरफ भी शेप देनी है, 2 इंच इस तरफ निशान लगाना है, इस निशान को यहाँ कॉर्नर से बॉटम से मिला लीजिए, इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। इसे मैं बराबर कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो हमने इसे शेप दे दिया। अब हम पहले इसके लिए यहाँ ऊपर के लिए हम यहाँ पे इसके लगाने के लिए स्ट्रैप बनाते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये अप्रॉक्सीमेट 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने लिया 26 इंच। अब आपको करना क्या है, पहले फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो 1 फोल्ड 2 फोल्ड और एक और फोल्ड इस तरीके से करते हुए इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिए। दोनों स्ट्रैप मैंने रेडी कर ली। अब एक स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है आपको इस तरीके से, सेंटर में रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, और एक स्ट्रैप को इस तरफ रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई से स्ट्रैप का एक पीस इस तरफ अटैच कर दिया, एक पीस इस तरफ अटैच कर दिया। अब इस तरीके से प्लेन पट्टी लिया हम, यहाँ ऊपर से इसे फिनिश करेंगे। तो विड्थ हमें इसके बराबर लेनी है, इसके बराबर हम इसकी विड्थ ले लेते हैं, और इसकी लंबाई मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 3 इंच की मैंने ये पट्टी ली है। तो हम इसे सिलाई लगा के रेडी करेंगे। तो हमें इसे कहाँ लगाना है, उल्टी तरफ से इस तरफ से यहाँ पे इसे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, मैंने इस पर सिलाई लगा दी। अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए इस तरीके से, और फोल्ड करते हुए यहाँ से आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, ये देखिए। तो पट्टी सी बन जाएगी हमारी,
यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। तो ये हमारा पट्टी से फिनिश हो गया, इस तरफ से भी फिनिश कर लिया मैंने, इस तरफ से भी फिनिश कर लिया। तो ये रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे इसके एक पॉकेट बना लेते हैं, जिपर पॉकेट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पहले मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ से जहाँ से हमने पट्टी जोड़ी है वहाँ से 2 इंच मैंने नीचे लिया, 2 इंच नीचे लेके इसे पूरा लंबाई में कट करके अलग कर लीजिए। अब इस तरीके से 2 पट्टियां ली हैं मैंने, इसके बराबर चाहिए हमें। पहले हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो ये रखा है यहाँ पे इस तरीके से, तो एक पट्टी यहाँ के लिए और एक पट्टी यहाँ के लिए पाइपिंग से हम फिनिश करेंगे। तो इसे दूसरी तरफ रखा, यहाँ पे पट्टी रखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए सेम उसी तरीके से, ये जो कट करके अलग किया है इस पे सिलाई लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली और इस पे भी सिलाई लगा ली। अब आपको सिंपल इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है तो हमारी पाइपिंग जैसी बन जाएगी, देखिए इस तरीके से। इस पे भी सिलाई लगा लीजिए और इसे इस तरफ को फोल्ड करके इस पे भी सिलाई लगा लीजिए। अब हम इसके बीच में इस तरीके से जिप इंसर्ट करेंगे। तो इस साइज की मैंने जिप ले ली, इसे रखना है यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और दूसरे पीस को रखना है इस तरफ, जिप को बीच में रखते हुए इस तरीके से रखते हुए दोनों पेज पे सिलाई, ये मैंने जिप पे सिलाई लगा ली। अब हम अंदर की तरफ पॉकेट बना लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई आपको इसके बराबर लेनी है कि हमारी यहाँ पे इस तरीके से पूरी आ जाए, इस कट के बराबर चौड़ाई इसके बराबर लेनी है। और इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ कि मैंने कितनी ली है, इसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच। अब आपको करना क्या है, यहाँ नीचे से इसे फोल्ड करना है, यहाँ से फोल्ड करना है और यहाँ ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ से जिप के ऊपर रखना है, यहाँ पे जिप को कवर करते हुए इस तरीके से, और यहाँ नीचे की तरफ से फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए, एक सिलाई यहाँ से लेके ये मैंने सिलाई लगा ली, इस तरफ भी। तो हमारी पॉकेट जैसी बन गई। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसे इसी शेप में कट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ इसके ऊपर की तरफ जिप लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर के लिए मैंने जिप ले ली, इस साइज की हमें जिप चाहिए तो हम रनर बाद में डालेंगे। एक पीस लीजिए, इस तरीके से रखना है आपको यहाँ पे, यहाँ ऊपर, और इस पे सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक पीस इस तरफ और सेम उसी तरीके से एक पीस आपको इस तरफ सिलाई लगा, देखिए जिप का एक पीस मैंने इस तरफ अटैच कर दिया, एक इस तरफ। अब हम इसमें रनर डाल लेते हैं। तो इसे इस तरीके से करते हुए यहाँ से इसमें रनर को इंसर्ट कर लीजिए, ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया। अब हम इसकी साइडों वाली एक्स्ट्रा जिप को काट देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा जिप है उसे कट कर लीजिए और हम इसे साइडों से इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इसे उल्टी तरफ को टर्न कर लीजिए, ये मैंने टर्न कर लिया इस तरीके से। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ इस पर सिलाई लें, दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा ली। अब हम इसके बॉटम पे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से इसे पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई, ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली, इस तरफ भी। तो बेस की सिलाई लगी। अब ये जो हमारे रफ एजेस हैं इसे हम सिंपल पाइपिंग की पट्टी से रफ एजेस फिनिश कर लीजिए और यहाँ से हम फिर बैक को सीधा कर लें। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया, तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। एक जिपर पॉकेट हमारी इसकी यहाँ पे बन गई, देखिए एक बड़ी पॉकेट हमारी इसकी यहाँ बन गई, यहाँ पे जिपर पॉकेट है हमारी इस तरीके से, ये साइड्स आ गई, यहाँ साइड्स आ गई और इस तरीके से वाइड इसका बॉटम आ गया, देखिए वाइड बॉटम, काफ़ी वाइड इसका बॉटम बनता है इस तरीके से। तो बचे कुचे कपड़ों से आप भी इस तरीके से इसे बना सकते हैं, साइज भी काफ़ी अच्छा बना है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, फ्रंट साइड, बैक साइड, साइड्स, इस तरीके से साइड्स। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।